बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फार्मिंग टीवी और फार्मिंग टीवी से मैं हूं जाहिद। दोस्तों, आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूं, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना चिकन शेड, जहां हमने कुछ दिन पहले ही चूज़ा डाला है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने शेड की तरफ, जहाँ हमने गोल्डन मिस्री चूज़ा डाला हुआ है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो पोल्ट्री फार्मिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इस चीज़ का तजर्बा नहीं है। वो लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस फ्लॉक के मुतल्लिक आने वाले तमाम वीडियो आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँच सकें। दोस्तों, हमने यहाँ 7000 चूज़ा डाला है, जिसकी उम्र अब जो है ना 13 के 14 दिन हो चुकी है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लॉक जा रहा है। इस फ्लॉक में जो इस्तेमाल होने वाले अद्वियात की वीडियो हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह आप जो है अपने फ्लॉक की ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह जो है वो अपने आप मुर्गियों में आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। असल बात ये है कि बहुत से लोग इस चीज़ को सोच कर जो है ना परेशान होते हैं कि अगर वो ये कारोबार करेंगे तो कैसे करें, किस जगह पर करें, और किस तरह जो है ना इसमें होने वाले नुकसान से बचें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पोल्ट्री एक वसी कारोबार है, और इसके अंदर जो है वो मुनाफा जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर जिस तरह मुनाफा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता है उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग नुकसान को सोच कर जो है लोग इस तरह आते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं। और जो लोग जो दोस्त हमारे पोल्ट्री का बिज़नेस करते हैं, जो पोल्ट्री की तरफ आते हैं, उनमें से जो कुछ होते हैं उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होता। यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग कहते कहते हैं मेडिसिन किसे कहते हैं, मेडिसिन कहाँ से लेनी है और कौन सी मेडिसिन लेनी है, मेडिकल स्टोर कौन सा है, असल जो है फार्मिंग का जो मेडिकल स्टोर है वो कौन सा है। तो कुछ लोग तो अद्वियात महंगी होने की वजह से भी इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, तो वो जो है इस वजह से जब वो नुकसान उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, तो वो जो है इस कारोबार में नुकसान कर बैठते हैं। तो जो दोस्त हैं, असल में बात यही है कि इस कारोबार को करने के लिए थोड़ा बहुत इल्म होना ज़रूरी है। तो जो दोस्त जो है ना फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस फ्लॉक में जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या जो भी इसकी बेहतरी के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसकी वीडियो हम बज़रिया उसका जो भी मेडिसिन यूज़ करेंगे उसकी वीडियो हम बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इससे यह है कि आप एक हफ्ते में या दो हफ्ते में या तीन हफ्ते के अंदर आप जो है पोल्ट्री के बारे में वो चीज़ें आप जान सकेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि जो शुरू में होने वाली चिक्स जो एक्सपायर हो जाते हैं शुरू में, उस यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आपकी जैसे कि रानी खेत है इसे किस तरह बचा जाए, गम्बोरो है गम्बोरो के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए और कैसे की जाए, और इसके अलावा जो है बहुत सी जो परेशानियां हैं पड़ी, जिस तरह ग्रोथ अगर आपसे नहीं हो रही अपने चिक्स के बारे में, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें, या आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें, या आपकी मुर्गी सुस्त है, बुखार है, ढीलापन है, या कोई भी उसे जिस्मानी कोई मसला आ रहा है, तो उसको हम किस तरह हल करें। तो ये आप अभी तो हमने ये फ्लॉग अभी शुरू किया है, तो आप अभी अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इसके साथ जैसे जैसे हम इसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करेंगे या कोई भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं, तो वो हम बज़रिया वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कुछ ही दिनों में, एक महीना तकरीबन लगेगा आपको, एक महीने के अंदर हम तमाम जो है वो मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, तो आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई दोस्त हमसे पहले जो डाल चुके हैं और उनको उनके शेड में अगर उनके चिक्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं और हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। हम आपके लिए हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ,
और इस वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।